राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो आज आपके लिए सेना की खुली भर्ती रैली निकल के आ चुकी है। कहाँ पे आपकी भर्ती रैली होने वाली है, कौन कौन इस भर्ती में जा पाएगा, कब से आप सभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अगर आप ये पूरी जानकारी जान जाते हो तो वीडियो को पूरा अंत देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी तरफ से आपके लिए सेना की खुली भर्ती रैली निकल के आ चुकी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी पोस्ट की। जो आपको यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली जनरल ड्यूटी की, आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलने वाली है। टेक्निकल की आपको, नर्सिंग असिस्टेंट की। और आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी यहाँ पे भर्ती होगी क्लर्क के पद के लिए, ट्रेडमैन के पद के लिए। आपके तकरीबन सभी पोस्टों पर आपके यहाँ पे भर्ती रैली होने वाली है। इस भर्ती में आपकी जो एज की बात रहेगी दोस्तों, 17.5 से लेकर 21 वर्ष के ओनली मेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। बिना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए आप इस भर्ती में नहीं जा सकते, ठीक है। और आपकी एज कट ऑफ की अगर हम बात करें, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होने वाली है। वेट आपका नॉर्मल होगा, चेस्ट भी आपके यहाँ पे नॉर्मल होगी। और आपकी 10th सिंपल पास हो तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी कलर के लिए, कलर के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल के लिए आपकी सेम टू सेम आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। आपकी अगर हम एज की बात करें दोस्तों, एज आपकी 17.5 से लेकर 23 वर्ष रहने वाली है। हाइट आपकी सेम होगी। और आपकी एज कट ऑफ की हम बात करें, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपकी जमनती है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आपको बता दूंगी कलर के लिए आपकी 162 रहने वाली है। और आपकी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी, और स्टोर कीपर के लिए आपकी 162 रहने वाली है। और आपको बता दूं, अगर आपने प्लस टू पास कर रखी है, अगर आपने आर्ट के साथ मैथ या फिर साइंस कर रखी है तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बात करें दोस्तों ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन के लिए आप 10th सिंपल और 8th सिंपल पास हो तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपको बता दें कि गोरखा बोध नेपाल के इंडियन के यहाँ पर जो आपकी भर्ती होगी, इनमें आपको थोड़ी छूट देखने को मिलने वाली है। अगर आप भी गोरखा हो तो आप सभी इस भर्ती के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बात करें दोस्तों आपका फिजिकल आपका दोस्तों वही रहने वाला, 1600 मीटर की आपकी रेस होने वाली है, यानी कि 1.5 किलोमीटर की आपकी यहाँ पे दौड़ होगी। जो आपको समय मिलेगा 5:45 का आपको समय देखने को मिलने वाला फर्स्ट ग्रुप के, यानी कि अगर 5:30 में रनिंग पार करते हो तो दोस्तों आपको 60 अंक मिलेंगे। अगर आप 5:45 में रनिंग पूरी करते हो तो आपको 48 अंक यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 10 आपने पुशअप मारने होंगे, 40 अंक आपको उसके मिलने वाले हैं। 9 फुट का आपका जंप होगा, आपका जिंक जंक बैलेंस आपका साथ के साथ ही होने वाला है। और बात करें दोस्तों आपकी भर्ती की, ये आपकी कटक में आपकी भर्ती रैली, यानी कि उड़ीसा के कटक में आपकी भर्ती रैली होने वाली है। और बात करें दोस्तों आपकी जो रैली है ये आपकी कब होगी, दोस्तों आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आप सभी 11 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप सभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करा सकते हो। उड़ीसा के यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, काफ़ी सारे जिलों की आपकी यहाँ पे भर्ती रैली होने वाली, यानी कि 8-9 जिलों की आपकी भर्ती रैली होगी। और आपको बता दें कि आपकी जो भर्ती है ये 12 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में आपकी भर्ती रैली, यानी कि 12 दिन आपकी भर्ती रैली है चलने वाली है। इसमें दोस्तों उड़ीसा के 12 यानी कि 8-10 जिलों की आपकी भर्ती रैली होने वाली है। अगर आप भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, अगर आपके कटक के आपका जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, अगर आपका कटक पड़ता है तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती में जा सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही है। आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।